Come on, boy! What is up, it's Rico Ward. Welcome to my channel and you're watching the Rusky Bomb. So, abhi main aaya hoon hostel mein. I have returned to the university now and abhi se you will see bahut sara videos in is channel pe. And mainly bodybuilding diet hostel series wala aayega bahut jaldi is channel pe, bahut sara videos aayega. To abhi Sikkim mein ho raha hai Federation Cup. Aaj hai 12th of March. कल था इनॉग्रेशन, आज है कंपटीशन. जहां से मैं बिलोंग करता हूँ जोहट आसाम से, वहां से बहुत सारे एथलीट्स आए हैं जो सिलेक्ट हुए हैं. तो आई विल लेट यू गाइस सी क्या हो रहा है यहाँ पे. सो आई विल गो नाउ, मैं एक टैक्सी लूंगा, आई विल गो टू द डिपार्टमेंट नाउ, मेरा डिपार्टमेंट, उसके बाद आई विल गो टू द फेडरेशन कप. सो लेट्स गो. तो अभी टैक्सी से उतर के आई एम गोइंग टू द लोकेशन, पहुंच ही गया नियरली. तो यहाँ से लेके इस तरफ जाना है मेरे को अभी. सो हियर इज इट, आई एम रीच्ड, यू कैन सी द बॉडी बिल्डर्स. तो यहाँ पे हमारे आसाम की टीम है एंड ये शुभदीप वैद्य सर, ये 70 kg में खेलेंगे. ये मिस्टर एशिया खेले हुए हैं. दिलीप देवड़ी सर रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, जो आसाम के ही है, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है. एंड ये फुल आसाम टीम है हम लोग का. तो ये बिहार से आए हैं. आपका एज क्या है? 22. मेरे से भी छोटे हैं. लुक एट हिज लेग्स, मेरे से भी छोटे हैं. लुक एट हिम, अ गुड हिज नाइस. ये भाई साहब बिहार से आए हैं. एज कितना है? 19. He's only 19 and look at him. His conditioning. Awesome. आसाम के अलीदा जो हम लोग के जोहार से आए हैं, इतना अच्छा कंडीशनिंग में आए हैं. ये मिस्टर एजिया भी गए हुए हैं. जस्ट लुक एट हिम, लुक एट हिज थाइज. इनका थाई देखिए, इतना अच्छा लग रहा है. इज लाइक कंडीशनिंग इज ऑसम. थैंक यू. ये एक बॉडी बिल्डर, ये कहाँ से आया है? शायद हरियाणा से आए हुए, जम्मू से आए हैं. आपके एज? 31. एंड यू कैन सी हिज लेग्स, इट्स लुकिंग सो नाइस. ही इज 31. एक फ्रंट डबल दे दीजिए. इज लुकिंग सो नाइस एंड इज थाइज आर कंडीशनिंग बहुत बढ़िया है. यू कैन सी दिस बॉडी बिल्डर, ये मिस्टर एशिया खेल चुका है एंड ही इज ईटिंग आइसक्रीम. तो ये खाते एक बॉडी बिल्डर आए कॉम्पिटिशन के टाइम पे. सर ये आप क्यों खा रहे हैं आइसक्रीम? डिहाइड्रेट ना हो, ये बॉडी को रिहाइड्रेट कर रहा है, इसीलिए उन्होंने ये आइसक्रीम खा रहा है इसीलिए. लेट्स गो आउटसाइड नाउ एंड लेट्स सी बाहर क्या चल रहा है. तो ये 55 kg का प्लेसमेंट हो रहा है. रवि अग्रवाल फ्रॉम उत्तर प्रदेश. एज यू कैन सी 55, ह्यूज, एक जोरदार तालियां. द फिफ्थ प्लेस इज आल्सो गेटिंग दिस अवार्ड, थर्ड प्राइस. सो गाइस मैं आपको फिर से बोल दूं, ये चल रहा है इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन कप जो कि सिक्किम में हो रहा है. चैंपियन ऑफ द कैटेगरी 55 kg goes to trunk number 3 Nitesh Kumar Parikh from Odisha. You can see they have wo champions below 55 kg category. Look at them, they are so huge. ये है 60 kg category lineup. Relax. सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगा यहाँ पे इस इतना प्रोफेशनलिज्म हो रहा है यहाँ पे. एवरीवन, जो स्टेज मार्शल है, जो जजेस है, जो एंकर है, एवरीथिंग इज सो डैम प्रोफेशनल यहाँ पे. क्या बोलूँ, हर कुछ एकदम सीक्वेंशली हो रहा है. जो टाइमिंग दिया है सब कुछ अच्छे से हो रहा है. जस्ट लुक एट द एथलीट्स एंड लुक एट द कॉम्पिटिशन. ये है इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन. लुक एट देम, नंबर 20 का थाई बहुत ही अच्छा दिख रहा है. बॉडी बिल्डिंग में थाई ही सबसे मेन होता है एंड नंबर 20 का थाई काफ़ी बड़ा कंपेरेटिवली एंड काफ़ी शेडेड लग रहा है. तो ऑब्वियसली ही विल बी द विनर, नो डाउट. तो यहाँ पे पोज डाउन चल रहा है. एज यू कैन सी नंबर 20 इज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत शेडेड लेग्स है उनका एंड एब्स भी काफ़ी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे. एंड ये भी एक और कंटेस्टेंट है, ही इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड. मे बी ये सेकेंड आएंगे मेरे हिसाब से. सो ये आदमी कश्मीर से आया हुआ है. नाइस, वेरी नाइस. तो ये झारखंड के हैं, इनको ब्रॉन्ज मिला, इज वेरी हैप्पी फॉर दैट. तो जैसा कि मैंने बोला था 27 को सेकंड पोजीशन मिलेगा, उसी को सेकंड पोजीशन मिला एंड फर्स्ट पोजीशन गोज टू नंबर 20. कोई भी एथलीट के लिए ये जो टाइम होता है ना, जब उसको पता होता है कि ही इज इन द फर्स्ट पोजीशन, बट वो पीछे खड़ा हुआ होता है फॉर हिज टाइम टू कम. ये मोमेंट में जो चलता है ना दिमाग में, सब भूल जाते हैं. ये है लाइनअप 60 kg कैटेगरी का. तो ये है 65 kg का लाइनअप एंड यहाँ पे एज यू कैन सी ये एक बंदा आया हुआ है. हाइट में थोड़ा शॉर्ट है बट ही इज लुकिंग सो डैम मस्कुलर
एंड नंबर 35 है एंड आई गेस यही चैंपियन होंगे नो डाउट. ये है आपका 65 केजी का लाइनअप दिख रहा है. इस लाइनअप में हमारे असम जोरहाट के भी एक आदमी है नंबर 39. ही इज लुकिंग गुड. थाई बहुत अच्छा है तो लेट्स सी द लाइनअप. यहाँ पे दिख रहा है कि 41 का थोड़ा सा गाइनो है बट ही इज लुकिंग वेरी वेरी शार्प. तो यहाँ से 41 ही आगे बढ़ेंगे एंड जिस समय को लगता है कि 41 को सेकेंड प्राइज मिलेगा इन दिस कैटेगरी. सब कुछ अच्छा ही लग रहा है. अभी नेक्स्ट बिलो 70 केजी है. यहाँ पे हम लोग के शुभदीप वैद्य सर आएंगे जो मेरे कोच के भाई हैं एंड मेरे भैया है. बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं. बिलो 70 केजी में नेक्स्ट होगा तो लेट्स सी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. अकेले हूँ, कोई नहीं है. जो भी हो देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर मैं भी खेल पाऊँ मैच फिजिक में. एंड लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है देख के. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये एथलीट्स को देख के. नेक्स्ट 70 केजी कैटेगरी है जहाँ पे शुभदीप वैद्य सर आएंगे. उनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. तो लेट्स सी क्या होता है. तो फॉर सम रीजन 35 को पीछे कर दिया. अभी लेट्स सी क्या होता है. सो 31 को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिल रहा है. आई थॉट कहीं ना कहीं 31-35 को बीट कर रहे हैं बिकॉज शार्पनेस कहीं ना कहीं वीक था 35 में. बट एज अ होल बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ देखता है साइज मैटर करता है एंड शार्पनेस ऑल्सो. बट 35 ने यहाँ पे 31 को बीट कर दिया नो डाउट. एंड द चैम्पियन इज नंबर 35. तो प्रदीप कुमार वर्मा फ्रॉम पंजाब, इनको मिला गोल्ड मेडल. एज यू कैन सी इज द चैंपियन ऑफ दिस कैटेगरी. तो ये लाइनअप है 70 केजी कैटेगरी का. एंड यहाँ पे जो 68 है ये गुवाहाटी आसाम से आए हुए हैं. ये मिस्टर मास्टर्स मिस्टर आसाम बने हुए हैं इस बार इन आसाम. तो ये है नंबर 75 जो जोरहाट आसाम से आए हुए हैं जिसका बात मैं बोल रहा था. बहुत ही अच्छा रेशियो है इनका शोल्डर टू वेस्ट विथ थाई मसल. कंडीशनरिंग टॉप नॉच लेके आया 75. बैक डबल बाइक्स डू इट टुगेदर. क्या ही ग्लूट्स दिख रहे हैं इनके. एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा ग्लूट्स एंड परफेक्ट बैक है इनका. डबल मसल्स विथ थाई. इनका लेग पोर्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही चैंपियन होंगे इस कैटेगरी के नो डाउट. Front, तो शुभदीप दा इज इन द टॉप 5 एक साथ. टू बी ऑनेस्ट इनका वेट जो 70 केजी कैटेगरी में खेलते हैं ना बट अगर ये एक बार 90 केजी कैटेगरी में खेलना स्टार्ट कर दे इनको कोई नहीं हरा सकता एंड ये प्रो कार्ड ऐसे ही लेके आएंगे नो डाउट. नंबर 75 जो है. Come on, Shubhadeep sir! तो अमित कुमार उड़ीसा से इनको मिला है ब्रॉन्ज एंड इनको मिला है सिल्वर मेडल एंड गोल्ड मिला है मिस्टर शुभदीप वैद्य फ्रॉम असम. आई एम वेरी हैप्पी ये देख के. सीरियसली मतलब बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनको देख के विनिंग द गोल्ड एंड आई जस्ट विश कि मैं इनके थोड़े से ही पाथ पे चल पाऊँ इन द फ्यूचर. सो ही गॉट सेकंड कैन सी. So he got gold. Gold के आ रहे हैं अभी. So this is what happens to any bodybuilder. Show के बाद पानी के लिए मर जाते हैं वो. सबसे पहले वो पानी पीते हैं no matter what. तो ये है चैंपियन 65 किलो के एंड ये है चैंपियन 70 किलो के. इन दोनों में कल कॉम्पिटिशन होगा. 60 के जी चैंपियन 65 के जी चैंपियन. और मेरा कैटेगरी है 65 टू 70 कैटेगरी.
और उस कैटेगरी में मैंने गोल्ड जीता है, साथ मेरा बेस्ट किया है मैंने अपना। मैंने प्रोफेशनल गेम खेलना आपका 2014 से शुरू किया है, और पहले मैंने जूनियर में नेशनल मिला है, एशिया में आपका प्लेस मिला है मुझे, और फेडरेशन का भी गोल्ड मिला है। तो ये गोल्ड मेडल अभी आपने जीता है, तो आपको कैसे फील हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ, आसाम के लिए कुछ लेके जा सका हूँ, खुद को प्राउड फील कर रहा हूँ। युद्ध तो मैं मैसेज वही दूंगा, आप पहले बॉडी के लिए जिम मत जाओ, आजकल पहले हेल्थ है। तो ये है व्यू फ्रॉम माय हॉस्टल, बहुत सुंदर व्यू। एंड आई एम बैक टू माय हॉस्टल नाउ, मुझे बहुत मजा लगा देख के। एंड एक जगह में मुझे बहुत खराब लगा, बिकॉज मैं सिक्किम में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ के भी मैं कॉम्पीट नहीं कर पाया। मुझे बहुत ज्यादा मन है यहाँ पे कम्पीट करने का, एंड आई जस्ट विश कि आने वाले 2-3 सालों में मैं कम्पीट कर पाऊँ इन फेडरेशन कप इन सिक्किम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।